राजस्थान के तीन जवान अपने फर्ज की खातिर कुर्बान हो गए। यह जवान अलवर, झुंझुनू और भरतपुर जिले के रहने वाले थे। यह सैनिक ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी में दब गए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र के माछिल सेक्टर में एलओसी पर पेट्रोलिंग गश्त जारी थी। इसी दौरान हिमस्खलन में दबने से ड्यूटी पर तैनात 21 राजपूताना रेजिमेंट के तीन जवानों की मौत हो गई। इनमें अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र के मैथना निवासी 28 वर्षीय राजेंद्र गुर्जर भी शामिल थे। सेना द्वारा राजेंद्र के घर उसकी मौत की सूचना दी गई। राजेंद्र की मौत की सूचना से परिवार जनों सहित पूरे गांव में शोक व्याप्त है। जैसे जैसे यह खबर आसपास के गांवों और रिश्तेदारों में पहुंची, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों से मृतक राजेंद्र गुर्जर के गांव मैथना पहुंचे। चारों तरफ सदमे में आई महिलाओं की चीख पुकार मची थी। पत्नी पुष्पा जो मायके में थी, खबर सुनते ही गांव पहुंची। उनके साथ आई अन्य महिलाएं भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अलवर जिले के कठुमर स्थित मैथना गांव में पिता किसान जगराम पोसवाल और माता चमेली के साथ मृतक राजेंद्र सहित दो भाई और एक बहन पार्वती हैं। राजेंद्र की शादी 2016 में पुष्पा से हुई थी और उनके अभी कोई संतान नहीं थी। राजेंद्र की मौत से मानो पूरे परिवार पर कहर टूट पड़ा हो। बेसुध माँ अभी भी अपने बेटे के इंतजार में बार बार चिल्लाते हुए विलाप कर रही है। उसे नहीं पता कि देश की सरहद पर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला जांबाज अब कभी नहीं आएगा। बड़े भाई वीरेंद्र ने बताया कि किस तरह उसे सेना ने फोन पर बताया कि राजेंद्र की मौत हो चुकी है। मेरे को 7:30 बजे बोला था कि भाई डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। उसके बाद अब मैं कोई वो नहीं है, काफी आती रही मेरी बात नहीं। घर में ग्रामीणों के बीच अपने बेटे के शव के आने का इंतजार कर रहे बूढ़े बाप का भी रो रो कर बुरा हाल है, जो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि मेरा लाल मुझे छोड़ गया। मैथना गांव में लगभग 500 परिवार हैं और इस गांव में लगभग 100 से ज्यादा परिवार सेना से जुड़े हैं, यानी हर तीसरे घर में कोई ना कोई फौज में भर्ती है। लेकिन इस हादसे ने सारे गांव को हिला कर रख दिया है। बस कम से कम 500 परिवार हैं, इनमें से कम 150 परिवार फौज में है, फौजी 150 परिवार में से लोग फौज में हैं। और यह हादसा बहुत ये झटका नहीं साहब, मतलब पूछो मत इसकी सीमा, पूरा गांव में दिल ही नहीं झटका। राजेंद्र को फौज में ही नौकरी करनी थी और देश सेवा का एक जज्बा उसमें था। जब भी कहीं सेना में भर्ती होती और वह पहुंच जाता था। इसके लिए उसने 21 बार प्रयास किए और अंत में उसे सफलता मिली और 2012 में उसे सेना में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसने इतना प्रयास किया था सब भर्ती देखने में, मतलब 31 भर्ती में हुए सेना में गया, बहुत कई बार हुए टेस्ट में, मेडिकल में कई बार निकल चुका, पर उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसको उसने लक्ष्य बना लिया था कि मेरे को आर्मी में ही जाना, देश सेवा ही करनी है, उसका ये मेन लक्ष्य था। 21 राजपूताना रेजिमेंट के कार्यरत राजेंद्र की ड्यूटी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एलओसी पर पेट्रोलिंग गश्त के दौरान थी, जहां हिमस्खलन में दबने पर यह हादसा हुआ। इस दौरान चार सैनिक बर्फ में दब गए थे और रेस्क्यू में निकलने के बाद उनमें से तीन जवानों की मौत हो गई थी, जिसमें तीनों राजस्थान के थे। झुंझुनू जिले में मेहाड़ा गुजरवास का रहने वाला कमलेश रावत भी कश्मीर के माछिल सेक्टर में सीमा के पास पहरा देते समय बर्फबारी की चपेट में आ गया। इसके चलते शहीद के गांव में चूल्हे भी नहीं जलाए गए। साथ ही शादियों में जो मंगल गीत गाए जा रहे थे वह भी बंद हो गए। शहीद कमलेश अपनी पुत्री की शादी अप्रैल में करने वाला था। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भरतपुर जिले का जवान शहीद हो गया। डीग थाना क्षेत्र के गांव अंजारी निवासी बलवीर सिंह 21 राजपूत रेजिमेंट में नायक थे और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। हिमस्खलन के चलते हादसा हो गया और उसमें बलवीर शहीद हो गए।
एएसपी सुरेंद्र सिंह कविया ने बताया कि शहीद बलवीर की पूरी सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी।